कामयाबी की ना एक खासियत है कि ये क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलती। इसके लिए भी बाकी चीज़ों की तरह आपको पहले कीमत अदा करनी पड़ती है। हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको प्रैक्टिकल प्राइस एक्शन एनालिसिस कैसे करना है और आप एक अच्छे इंट्राडे ट्रेडर प्राइस एक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे बन सकते हैं। इस कोर्स को कंटेंट को उठाया हमने बॉब वुलमैन की बुक अंडरस्टैंडिंग प्राइस एक्शन और 5 मिनट टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिसके ऑथर बॉब वुलमैन है। ये बुक मिलेगी आपको फ्लिपकार्ट पे, कीमत है 3800 रुपये। दोस्तों, चैप्टर नंबर 8 हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है स्किपिंग ट्रेड्स एंड ट्रेडिंग ब्रेक्स फॉर फेलियर। इसका मतलब सीधा सीधा आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि राइट मूवमेंट पर हमको कौन सी ट्रेड को नहीं पकड़ना है, स्किप करना है। दोस्तों, ट्रेड को छोड़ना भी एक बहुत बड़ी ट्रेड होती है, जो कि समझ लीजिए कि अगर आपने कोई बैड ट्रेड छोड़ दी तो वो भी एक तरीके से प्रॉफिट में ही काउंट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो भी आपको अब तक तरीके बताए हैं 7 चैप्टर्स में, वो हम यहाँ पर, अगर आपको सारे पैरामीटर बैठ रहे हैं और तब आपको लगे कि भाई बैठ भी रहे हैं, बट यहाँ पे हमको ये ट्रेड स्किप करनी है, तो यही हमारा एक मेन टॉपिक है आज का। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। अपने टॉपिक पे जाने से पहले यहाँ पर कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग रूल्स लिखे गए हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ वन बाई वन। दोस्तों, सबसे पहला है कि यहाँ पर आपको डोमिनेंट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करनी है। अगर बुल रन में मार्केट में चल रहा है तो आपको सेल की अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढनी है, क्योंकि पुल बैक देने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, आप रिवर्सल प्ले मत करना। दोस्तों, एक पॉइंट और है कि दिमाग में आप कुछ प्रेशर मत रखना ट्रेडिंग के वक्त, ठीक है। एक यहाँ पे है कि लोग क्या करते हैं, कभी मार्केट रेंज में होता है और उनके दिमाग में के छपा रहता है कि ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है और वो ट्रेंड के हिसाब से ही छोड़ते हैं, जबकि मार्केट रेंज में होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं कि 25 EMA, मैंने बताया था, एक इतना अच्छा टूल है जो कि जिसपे हमारा जो प्राइस है वो मैग्नेट की तरह खींचा चलाता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हमको करना है कि 25 EMA तक मार्केट आए और उसके बाद हम ट्रेड की सोचें, ठीक है। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मार्केट पुल बैक दे रहा है और वो 25 EMA से पहुँचने से पहले ट्रेड कर लेते हैं, वो गलत है, वो गलत तरीका है दोस्तों। और यहाँ पे यही कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया। अभी हम अपना मेन टॉपिक लेते हैं कि किस टाइम पे कौन सी ट्रेड को स्किप कर देना है, कैसे पता चलेगा, कौन सा प्राइस एक्शन हमको देखना पड़ेगा, क्या हम सीख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको चार्ट्स की मदद से समझाऊंगा और जो हमने पढ़ा है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये हमारे सामने यूरो USD का चार्ट है और सिंपल यहाँ पे मार्केट एक अप ट्रेंड में दिख रहा है और यहाँ पर कुछ पुलबैक्स के बाद हमने एंट्री ली और कहाँ पे स्किप करना है वो हम देखेंगे कि कौन सी वैलिड एंट्री है और कहाँ पे हमको स्किप करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट हमारा स्टार्ट होता है, ये हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है 5 मिनट का, इस पॉइंट पे मार्केट स्टार्ट होता है और पॉइंट नंबर 1 तक यहाँ पर एक हाई बनाता है और पॉइंट नंबर 2 तक ये देता है पुल बैक। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे ये वाली बाइंग को अगर कंसिडर करें, अगर यहाँ पे बाइंग ली होगी तो हम पहले देखते हैं कि ये एक वैलिड बाइंग थी या हमको स्किप करना था। तो दोस्तों, सीधी सीधी बात है, मार्केट एक पुल बैक देता है 25 EMA तक, उसके बाद फिर एक और पुल बैक देता है और यहाँ पे टेस्ट करने के बाद इस कैंडल पे ब्रेकआउट यहाँ पे देता है इस पुल बैक लाइन को, ठीक है। यहाँ तक इसने इस स्लोप को ब्रेकआउट किया है। दोस्तों, अगर हम टेक्निकली देखें तो यहाँ पे 25 EMA को इसने 2 बार रेस्पेक्ट किया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया, तो ये एक किसी भी एंगल से आप इसमें ये नहीं सोच सके मैं इसको स्किप कर दूं, आपको ये बाइंग करना ही पड़ेगा, ये एक अच्छी ट्रेड है, ठीक है। दोस्तों, फिर उसके बाद मार्केट क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 तक का यहाँ पर हाई बनाता है, ठीक है। 3 तक का हाई बनाने के बाद मार्केट 4 और 5 पॉइंट का लो बनाता है। अब हम यहाँ पे भी देखेंगे कि मार्केट ने एक स्लोप दिया और यहाँ पे मार्केट ने स्लोप को यहाँ पर क्रॉस किया, तो यहाँ पे भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, तो इसको भी हम देखते हैं कि ये एक वैलिड बाइंग थी या नहीं। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस लो से 2 से लेके 3 तक का अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालें तो जो ये लेवल बैठ रहा है हमारा, ये वाला ये बैठ रहा है हमारा अप्रॉक्स 50%, ठीक है। तो चलो मैं इसको कंसीडर नहीं करता, छोड़ दो 50% की। दूसरा दोस्तों, हमारा वैलिड जो रीज़न है मैं आपको बताता हूँ, ये एक हमारा एक अच्छा सपोर्ट था, इसको यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया और इस सपोर्ट के साथ में ही यहाँ पर 25 EMA का भी एक सपोर्ट है मेजर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप अगर आप गौर करेंगे तो आप बोलेंगे सर आप तो चार्ट बन गया तो इसलिए आप बता रहे हो, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, अगर मैं इसको जूम कर देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप गौर फरमाएंगे
हाँ ये हमारा स्लोप है और स्लोप के बाहर निकलने के बाद हमको ट्रेड लेनी है। कैसे पता लगेगा ये वैलिड ट्रेड है? दोस्तों यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया है, कोई डाउट नहीं है। 25 EMA के नीचे क्लोज दिया है, बट अभी हमारी एंट्री यहाँ पर पुख्ता नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद दो यहाँ पर उसने हिकअप्स लिए हैं, मतलब ब्रेक मारा, गिरने के लिए ब्रेक मारा है छोटी छोटी कैंडल्स में। उसके बाद यहाँ पे इसने इस स्लोप को ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न बनता नज़र आ रहा है? दोस्तों ये काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता नज़र आ रहा है, जो कि बिल्कुल सपोर्ट के पास बन रहा है और उसके बाद इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। तो कोई हमको यहाँ पर एक वैलिड रीज़न नहीं मिलता कि हम इस ट्रेड को छोड़ दें, मैं पक्का इसको बाई करूँगा, ठीक है, कोई रीज़न हमको नहीं मिलता, ठीक है। तो ये भी एक हमारी वैलिड बाइंग हो जाती है। उसके बाद मार्केट हमारा थोड़ा सा और ऊपर जाता है और 6-7-8 का यहाँ पर हल्का सा हाई बनाने का फिर एक और पुल बैक यहाँ पे देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक और पुल बैक ड्रॉ कर लेते हैं और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है। तो मार्केट ठीक उस सपोर्ट से रिवर्स होने की कोशिश करता है और इस कैंडल पे मार्केट ब्रेकआउट दे देता है। तो यहाँ पे भी हमको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती कि भाई हम इस ट्रेड को ना ले, स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद मार्केट 11 नंबर का एक हाई बनाता है, थोड़ा सा नीचे को आता है, फिर यहाँ पर 13 नंबर का एक और हाई यहाँ पे बनाता है जो कि प्रीवियस हाई के नीचे है और मार्केट नीचे आ जाता है। इस ट्रेड को हम स्किप करेंगे, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ क्यों, ठीक है, क्यों हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे, ठीक है। आप तो बोलोगे सर आपने पीछे यहाँ पे आपको ट्रेड लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ से स्लोप को ऊपर निकल गया, पर यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही कमाल की चीज़ दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 में इजीली एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर एक एम पैटर्न काइंड ऑफ बन रहा है ये, ठीक है, और ये एम का जो सेंटर पॉइंट है ये रहा। जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे यहाँ पर क्लोज दिया, यहाँ पर जो हम सोच रहे थे कि पहले हम पुल बैक का वेट करेंगे और यहाँ पर बाइंग करेंगे, वो हमारे दिमाग से तुरंत निकल जाएगा, हमारा जो एनालिसिस है वो डाउट में पड़ जाएगा, ठीक है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पे बन गया एक एम पैटर्न, चैप्टर नंबर 7 में मैंने एक्सप्लेन किया था, जाके देख लेना, ये बन गया हमारा एक एम, ठीक है, एम पैटर्न बन गया और यहाँ पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोज दे दिया। तो जो हम बाइंग की सोच रहे थे वो अब हम नहीं सोचेंगे और सून मार्केट ने क्या किया है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर रुकने की कोशिश की और उसके बाद मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया। तो पूरे चार्ट में हमको एक पॉइंट ऐसा मिला जहाँ पे हम बाइंग की नहीं सोचेंगे, तो यहाँ पे हम रिवर्सल ट्रेड भी ना लेंगे तो कम से कम बाइंग भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक मैंने एग्जांपल दिया, बाकी मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो गाइज अभी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं हमारी स्किपिंग ट्रेड्स का। ये भी एक यूरो यूएसडी का चार्ट है और इसको भी हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चार्ट को गौर फरमाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे 8 बजे के आसपास यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, बट जो मार्केट ओपन है पहले से ही उसमें हल्का सा आपको दिखेगा कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ ही आपको दिशा दे रहा है कि मार्केट बिल्कुल अपना 25 EMA से चिपक के चल रहा है और डाउनवर्ड मोशन में ही वो ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से कारणों पे हमको यहाँ पर ट्रेड को स्किप करने को मिलता है। तो अगर हम पहला ही एग्जांपल देख ले तो ये हमारा एक स्लोप है और यहाँ पे इजीली मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, तो हमको कोई यहाँ पर शंका नहीं होगी इस ट्रेड को शॉर्ट करने में, क्योंकि डोमिनेंट जो प्रेशर है वो डाउन ट्रेंड का है, तो इजीली हम इसको शॉर्ट कर देंगे क्योंकि पहले ही मार्केट नीचे की तरफ है, इस पर हमको कोई इशू नहीं आएगा। तो मार्केट दो तक का लो लेने के बाद एक और पुल बैक देता है और मार्केट यहाँ पर इस क्लस्टर तक आ जाता है, ठीक है। अभी जब इस क्लस्टर तक आ गया तो हमको जो नेक्स्ट ट्रेड मिली यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा बिल्डअप दिया है और उसके बाद मार्केट ने एक पुल बैक दिया है और यहाँ पे हमको एक ब्रेक मिला, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन को यहाँ पर लेने का, बट यहाँ पे हमको बोल दिया गया ये है एक स्किपिंग ट्रेड, आप इस ट्रेड को स्किप कर दीजिए, आप इसको शॉर्ट मत कीजिए। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि ऑथर ने क्या रीज़न दिया है कि भाई कि हम इस ट्रेड को क्यों स्किप कर दें। तो मैं आपको बताया कि जब भी आप कोई भी स्किपिंग ट्रेड देखेंगे या अपनी कोई जो ट्रेड आपने जिस ट्रेड में आपने एंट्री ले रखी है उसको यहाँ पर एग्जिट करना है, प्री मैच और एग्जिट अगर आप उसको लेने, तो आपको डब्ल्यू और एम पैटर्न देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम इस चार्ट को भी अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर भी हमको एक डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न बनता
नज़र आ रहा है जिसकी सेंटर पॉइंट ये है। ठीक है, तो जैसे जब मार्केट जब डब्लू पैटर्न बना के निकल रहा है तो पहले ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि मार्केट डब्लू पैटर्न रिवर्सल दे रहा है, तो शायद ये मार्केट यहाँ पे टच करने के बाद नीचे नहीं आए। तो अगर जहाँ मार्केट में आपको डाउट आ गया तो आप तुरंत अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाएं, या नई ट्रेड अगर आप शॉर्ट करने की सोच रहे हैं तो दिमाग में बात डाल लें कि डब्लू पैटर्न से मार्केट निकल रहा है, जिस इंटेंसिटी के साथ इस पॉइंट पे मार्केट गिरा था शायद इस पॉइंट से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। और जो हमारे जो जब हमारा अगर हम डब्लू फॉर्म करते हैं तो जो उसका सेंटर पॉइंट होता है वो एक बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, और मार्केट यहीं से रिवर्सल होता चला गया। ठीक है, यहाँ पर तो गाइस अभी हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं अपनी स्किपिंग ट्रेड्स का। ये एक बहुत ही नीट और क्लीन चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यूरो यूएसडी का ही है ये भी चार्ट है हमारा, और यहाँ पे मार्केट काइंड ऑफ एक यहाँ पर इस पूरे रीजन तक यहाँ पे एक साइडवेज जून में यहाँ पे मार्केट चल रहा था, उसके बाद मार्केट ने एक सडन मूव दिया है। ठीक है, तो अभी हम इसमें भी देखेंगे कि कहाँ पे हमको स्किप ट्रेड करने का मौका यहाँ पर मिलेगा दोस्तों, कि हम कौन से ट्रेड यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारे क्लस्टर 5 और 6 का एक तरफा यहाँ पर मोमेंटम इसको मिला है, तो जब भी हम ऐसे मूवमेंट हमको मिलता है तो हम पुल बैक्स का वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो प्रीवियस लेफ्ट साइड में कहाँ कहाँ स्विंग हाइस बने थे। तो दोस्तों अगर हम स्विंग हाइस का देखें तो यहाँ पे हमारा एक स्विंग हाई बना जो कि हमको बताएगा कि हाँ यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर मार्केट हॉल्ट हो सकता है, यहाँ तक पुल बैक ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक का मूवमेंट देने के बाद इस पॉइंट तक मूवमेंट देने के बाद मार्केट हमने पुल बैक का वेट किया, और इस पॉइंट पे ऑथर ने बोला हमको कि यहाँ पर आप पुल बैक ट्रेड मत कीजिए, स्किप कर दिए। तो क्या रीज़न रहा वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर पहले तो ये है कि एक बहुत अच्छा यहाँ पर मोमेंटम मिला दोस्तों। ठीक है, और मोमेंटम मिलने के बाद मार्केट ने पुल बैक देना स्टार्ट किया। ठीक है, और लगभग 7 नंबर पॉइंट तक मार्केट अपने पूरा 50% करेक्ट कर चुका था इस मूव को। ठीक है, इस मूव को यहाँ पर उसके बाद कुछ ऐसा क्लस्टर बना के ऑथर ने इसको रिवर्सल प्ले करने से मना कर दिया, कि बोल रिवर्सल बोल रहा हूँ पुल बैक प्ले करने से मना कर दिया, बोला आप यहाँ पर पुल बैक ट्रेड मत लीजिए। रीज़न बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, पहला यहाँ पर बताया कि इन्होंने ये हमारा बन गया इसका रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस बन गया, कोई बात ना, अच्छी चीज़ है, मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। बट उन्होंने देखा जब यहाँ पर उन्होंने एक पुल बैक लाइन ड्रॉ की इस लेवल तक, ठीक है, तो जब ये पुल बैक लाइन खत्म हो रही है साथ साथ में क्या हो रहा था, जब यहाँ इस पॉइंट तक मार्केट में क्या था, हमारा जो 25 ईएम है वो एक यहाँ पर एक सडन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा था, बट यहाँ पे ये जो हमारा 25 ईएम है ये हो चुका है फ्लैट। ठीक है, ये शो करता है कि यहाँ पर हो रखा है कोई बिल्डअप। उसके बाद मार्केट को क्या करना था, जय इस स्लोप को यहाँ पर रेस्पेक्ट करना था और स्लोप के बाहर मार्केट को ब्रेकआउट दे के ऊपर जाना था, बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज जोन यहाँ पे मार्केट को दिखाया, और यहाँ पे इस कैंडल में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट 25 ईएमए को वो अभी भी क्रॉस नहीं कर पाया। नेक्स्ट कैंडल बनी बिल्कुल छोटी सी डोजी जिसको कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, अब तक मार्केट हमारा 25 ईएमए को क्रॉस नहीं कर पाया। अगेन एक बियरिश कैंडल बनी, बट वो क्लोज होते होते एक बुलिश कैंडल बन गई। तो ये तीन कैंडल जो यहाँ पर बनी हैं, ठीक है, तीन कैंडल यहाँ पर इन्होंने बनाने की कोशिश की है, जो कि सारी जो तीनों कैंडल हैं वो अभी तक हमारा जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था इस ट्रेंड लाइन वाला उसको अभी तक मीट नहीं कर पाई हैं, और ये एक साइडवेज क्लस्टर में चली गई। ठीक है, तो दोस्तों यही हमारे लिए काफ़ी है इस ट्रेड को थोड़ा सा डाउट भरी नज़रों से देखने का, कि यहाँ पे मार्केट को ज़्यादा जब इतना ही अच्छा मोमेंटम है, जब आप यहाँ पे देखिए जब इतना ही अच्छा मोमेंटम है, केवल एक कैंडल यहाँ पे या एक या दो कैंडल मार्केट ने पॉज लिया है, तो यहाँ पे इस पुल बैक को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए यहाँ पे इसको ऊपर जाने में, बट मार्केट यहाँ पे बिल्डअप बना रहा है, इजीली स्लोप को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको डाउट की नज़रों से दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इस ट्रेड को देखेंगे शक भरी निगाहों से। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और जो स्किपिंग ट्रेड्स वाले एग्जाम्पल हैं वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8B में, मतलब इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में बाकी के बचे हुए एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। सब्सक्राइब करें द इंडेक्स ट्रेडर को, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना।